अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जलील संघी और आप देख रहे हैं मदारिस न्यूज़। गुज़श्ता से पहस्ता रोज़ वफ़ाक़ुल मदारिस के ऑफिस मुल्तान में जाना हुआ तो मालूम यह हुआ कि जो कि पहले गुज़श्ता कई अफराद बल्कि कई मदारिस की तरफ से बार बार ये सवाल किया जा रहा और कई तलबा की तरफ से ये बार बार सवाल किया जा रहा था कि हमारे गुज़श्ता साल के इम्तहानात के रिज़ल्ट के बाद जो हमारी असनाद होती हैं और कशफ़ दर्जात होती हैं वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुए, तो वो कब तक मौसूल होंगे। क्योंकि बहुत से मदारिस के फजलाए किराम होते हैं कि जिन्होंने अपनी असनाद की वेरिफिकेशन करवानी होती है, उनका मुआदला करवाना होता है, या बहुत से हुफाज होते हैं कि उन्होंने अपनी हिफ्स की सनद पर कुछ आगे कहीं सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो बहुत से मसाइल हो सकते हैं। या इसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं या तालिबात होती हैं कि जिन्होंने अपनी सानविया आमा या इसी तरह खासा या फिर जलालैन वगैरह इन आलिया इन असनाद पर उन्होंने आगे स्कूल की तालीम जारी रखनी होती है। तो चूँकि अलामा इकबाल ओपन की तरफ से इस पर भी हम इंशाल्लाह एक मुकम्मल प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं कि अलामा इकबाल के थ्रू आप मदरसे की सनद पर कैसे चंद एक किताबों का इम्तहान देकर कैसे अपनी डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ चंद महीनों में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्कूल का बिल्कुल बराबर उसका दर्जा होता है, कोई उसमें फ़र्क नहीं होता, तो उसके भी एक तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएँगे। तो जो आज बताना मकसूद था वो ये है कि हम जब वफ़ाक़ुल मदारिस के ऑफिस में गए तो हमें बताया गया कि वफ़ाक़ुल मदारिस की तरफ से जो असनाद उमूमन उसमें रबीउल अव्वल से भी पहले पहले तमाम मदारिस को पहुंच चुकी होती हैं, वो असनाद इस बार कुछ फ़नी ख़राबियों की वजह से, फ़नी ख़राबी ये थी जो हमें बताया गया वो ये थी कि भाई प्रिंटिंग की जो मशीन है जिससे असनाद बनती हैं वो मशीन चूँकि ख़राब हो गई थी, उसको बनाने में और उसको रीसेट करने में काफ़ी अर्सा लग गया, बड़ी मशीनें होती हैं तो उनको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से ये चंद असनाद जो हैं वफ़ाक़ुल मदारिस के वो चंद दिनों की वजह से डिले हो गई हैं। तो अब वो असनाद इंशाल्लाह इस आइंदा हफ्ते के दौरान वो असनाद अब भेजना शुरू कर रहे हैं वफ़ाक़ुल मदारिस की तरफ से, तो वो असनाद इंशाल्लाह उसमें हिफ्ज़ के असनाद हैं, दस निज़ामी के असनाद हैं, बनीन बनात तमाम असनाद हैं, वो इंशाल्लाह वो जल्द ही आप हजरात तक असनाद तमाम जो है आपके मदारिस में पहुँचेंगी। अगर आप तलबा हैं तो, अगर मदारिस की इंतज़ामिया हैं तो आप तक वो असनाद पहुँचेंगी, आप फिर उसके बाद जो है अपने तलबा को दे सकेंगे। तलबा कराम जो, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी बताता चलो कि बहुत से तलबा ऐसे होते हैं कि जो फाजल यानी कि फाजिल होते हैं, यानी उन्होंने दौर हदीस का इम्तिहान दिया होता है, या बहुत सी तालिबात ऐसी होती हैं जिन्होंने दौर हदीस का इम्तिहान दिया होता है यानी कि आलमिया का, तो वो अपनी असनाद अगर अर्जेंट निकलवाना चाहें दफ्तर विफाक से तो उसका भी एक तरीका है। अर्जेंट अगर किसी को असनाद चाहिए हों तो उसका भी एक तरीका है, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम मुकम्मल तफसीली जो है वीडियो अपलोड करेंगे इस पर। अब इंशाल्लाह बस एक मुसलसल सिलसिले के साथ वफ़ाक़ुल मदारिस से मुतालिक जो भी मालूमात होंगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप अगर न्यू हैं हमारे मदारिस न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ओपन कर लें ताकि जो भी हमारी वीडियो होगी आपके पास नोटिफिकेशन एक मैसेज आएगा, मगर ना आपको शायद मालूम ना हो जब तक आप यूट्यूब चैनल पर हमारे जाकर चैनल ओपन ना करेंगे, तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इंशाल्लाह जो भी आपको मालूमात हम देंगे तो आपको फ़ौरन मालूम हो जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।